नायबी का जिस तरह से हमने देखा है, तो ये किसका आइडिया था, कब डिसाइड कर लिया? दरअसल ये रेती जो है वो दिखने में अगर उसमें डिज़ाइन किया जाए तो इस तरह से दिखती है, लेकिन गांव शहरों से बाहर हम लोग जाएं तो वहां पे देखेंगे तो सारी नदियां इस रेती माफियों की वजह से पूरी ड्राई हो चुकी है। आजकल हम देख रहे हैं कि होली के वक्त हम लोग बोले रहते पानी बचाओ, जल बचाओ तो जीवन सुधार सकते हैं हमारा, लेकिन आज ये स्थिति जैसे हम लोग पानी के लिए बचाने की कोशिश जो कर रहे हैं हम लोग, मेरे ख्याल से नदियाँ भी बचानी चाहिए। नदियों में जो रेती है वो रेती माफियों के द्वारा घर बनाने के लिए हम लोग लेके जाते हैं, लेकिन उसके बजाय हम पूरा नेचर बिगाड़ देते हैं, तो उसका बैलेंस रखना हमें बहुत ज़रूरी है। और इसी सब्जेक्ट के ऊपर ये फिल्म है जिसका नाम है रेती, और उसमें मैं बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ जिसका नाम है सदानंद भामरे, जो इस गांव का है। इस गांव के नदी में उसने तैरना सीखा है, गांव की नदियों से उसने बहुत कुछ, गांव की हरियाली देखी है उस वजह से, तो अगर वहां पे बचपन उसका गुजरा है और उसका जवानी में मुझे देखता है कि नदी में अभी ये हालत है, उसकी वजह क्या है, तो उसे पीछे लगता है और उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाता है। इज़ अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर। और इस फिल्म में मेरा जो कैरेक्टर है इस करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट में कुछ आवाज़ उठाने वाला एक पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ। और इस फिल्म में किशोर कदम है जो मराठी के काफ़ी जाने पहचाने एक्टर है, काफ़ी अवार्ड विनर एक्टर हैं, और चिन्मय मांडलेकर है, शशांक शेंडे जैसे काफ़ी नवाजे गए आर्टिस्ट है, और उसके साथ साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और इस फिल्म के डायरेक्टर सुहास भोसले सर, उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की, और इनकी पहली फिल्म जो थी कोती नाम की, जो हिजड़ों के ऊपर थी, उसको फेस्टिवल में काफ़ी नवाजा गया है, उसको काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, और ऐसे नामचीन डायरेक्टर के पास काम करने का मुझे इस फिल्म द्वारा मौका मिला, इसलिए मैं अपने आप को बहुत नसीब वाला समझता हूँ। और ये फिल्म आप ज़रूर, मैं लोगों को बहुत ही ऐसा आह्वान करूँगा कि आपके नज़दीक के थिएटर में जाके ये फिल्म देखिए, अपने फैमिली देखिए, और नेचर के खिलाफ आप भी ये फिल्म देखिए, आवाज़ उठाइए। आजकल हर एक्टर अपने जो करेक्टर को बहुत सारे प्रिपरेशन है। यस, बहुत अंदर घुस जाते कि कैसे निभाए, आप किस तरह से प्रिपरेशन किए? एक तो इस फिल्म में मैंने जो मुझे किरदार बताया गया है वो बहुत ही पॉजिटिव था, तो मुझे ऐसा बचपन से देखा जाए तो मैं गांव में गर्मियों की छुट्टी में जाता था, दिवाली की छुट्टी में नदी में तैरना वीरना सीखा है, और आज भी मैं गांव में जाता हूं तो नदी की हालत देख के मुझे भी हैरानी हो जाती है कि ये ऐसा कैसे हो गया है। तो मेरे ख्याल से इसके पीछे हम लोग ही है जो ऐसे रेती माफियों को अपने सपोर्ट करते आए हैं, घर बनाते हैं, लेकिन घर बनाना है हमें, लेकिन पूरा नेचर का बैलेंस रख के सब करना है। तो मेरे ख्याल से ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है, और इस फिल्म के द्वारा मुझे एक पॉजिटिव करने कैरेक्टर करने का मौका मिला, बस इसी में मैं अपने को नसीब वाला समझता हूँ। बट लास्टली हम अगर हम मूवी की बात करें, बहुत सारे जैसे एक्टर के बच्चे थे ज़्यादातर और बॉलीवुड में आ रहे हैं, लेकिन आप मराठी में फोकस कर रहे हैं, बॉलीवुड में नहीं? अभी आपको शायद पता नहीं होगा, आपने अगर रॉकी हैंडसम फिल्म देखी होगी तो उसमें काम कैरेक्टर है। हाँ, तो क्या हो रहा है कि हाल ही में मेरी अभी शुरुआत हो चुकी है कि मराठी में कुछ वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स में लोगों ने मुझे देखा है, हाल ही में देखते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हिंदी में अगर एंट्री होना है तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बड़े रोल के लिए हो और अच्छे रोल के लिए हो, और वो जो कैरेक्टर उस फिल्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ऐसे कैरेक्टर मुझे करना है, इसलिए आई एम वेटिंग फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। तो फिलहाल मराठी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया हूँ, क्योंकि आजकल मराठी जो फिल्म आ रही है वो मराठी फिल्में इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी नवाजी जाती है, उसको फेस्टिवल में काफ़ी नाम कमाती आई है फिल्म, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ी मराठी के लिए गर्व की बात है, और ऐसे ही एक बड़ी फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। लास्टली हम अगर हम मूवी की बात करें, केला बहुत कुछ गाया करता है, बहुत से बोला था, केला से सबसे बेस्ट कॉमेडी मुझे क्या लगता है, रेती
ऐसे नाम से लगता है कि ये बहुत खतरनाक मूवी वाले किस्म का थ्रिलर है, किस तरह का फिल्म? अब अगर फिल्म देखे जाए, नाम के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। अभी फिलहाल देखे जाए तो दगड़ी चौल नाम की फिल्म है, उसमें वो काफ़ी फिल्म चली और ब्लॉकबस्टर फिल्म हिट हुई। वो उसमें भी मैंने नेगेटिव रोल में विलन का कैरेक्टर किया है। उस फिल्म में मैंने ये देखा कि लोगों को ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ना उसी गैंगस्टर के ऊपर फिल्म रहेगी या कुछ ऐसा कुछ होगा, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें एक लव स्टोरी भी है, एक फैमिली ड्रामा भी है। तो हर एक फिल्म में ऐसा कुछ ना कुछ इमोशंस अगर आजू बाजू में उसके हो, उस फिल्म की जान हो, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। और इस फिल्म के बारे में वो सदानंद भामरे नाम का जो मैंने कैरेक्टर किया है, वही उस गांव से लगा, उस नदी से लगा हुआ रहने वाला एक कैरेक्टर है। और उसके मन के ऊपर या ओवरऑल गांव के ऊपर उस क्या बीती है उस नदी के ऐसी पूरी वाट लगने के बाद, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अलग सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट फोकस हुआ हुआ एक फिल्म है। तो इस फिल्म का जाहिर है अच्छा काम करने में बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू।